बड़ा मतलब ये जंगल है यार, सही नहीं रिक्स है भाई। हम लोग दो लोग हैं यार, थोड़ा सा टेंशन भी लग रहा है मुरे को, और तो ऐसे जंगल वंगल नहीं होता है। वो क्या है अभी? मौजूद होना है, मजूर ये 700-800 केजी भी मिलते हैं भाई, ठीक है, बहुत रेट रहता है। तो हम उस पुटू निकालने का जो जगह है, उस जगह को हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम बैक माई फ्रेंड्स स्टूडियो वाला यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप लोग का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम। तो भाई लोग, काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम था जिसके चलते लगभग हमने 2 महीने कुछ भी वर्क नहीं किए टूटे बल्स यूट्यूब चैनल को लेके, ब्लॉग को लेके, और ओवरऑल आज हमने थोड़ा सा टाइम निकाला है और एक बढ़िया सा सीनरी, नेचुरल सीनरी, जो कि जैसे ही बरसात का महीना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं हमारे चारों साइड हरा भरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए, कभी किसी वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताया नहीं, हर हमारा वीडियो टूटे ब्लॉग्स के हर वीडियो में इसका हाथ जरूर होता है और हरदम जो है मुझे सपोर्ट में रहता है। मेरे मुजवाहल का जो और बजड़ी का बीच का जो प्लॉट है, उस प्लॉट में हम लोग हैं, जहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं हरा भरा है, चारों साइड हरा भरा है। बहुत कम से कम 200 या 300 एकड़ में इस तरह से प्लॉट लगाया गया है। बहुत ही अच्छा सीनरी है, ग्रीनरी है, चारों साइड हरा भरा है, मस्त है। तो इस मस्त वादियों में हम आप लोगों को मस्त तरीके से घुमाएंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। और जो ये वीडियो स्किप कर रहा है और जो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको नेचुरल से कोई प्यार नहीं है, उसको प्रकृति से कोई लगाव नहीं है, और जिसका लगाव है डेफिनेटली आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा। तो ओके, चलिए हम आप लोगों को चलते चलते दिखाते हैं पूरा प्लॉट का सीन। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी गिर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, ऑन द रेन हम आप लोगों को ये वीडियो शूट करके दिखा रहे हैं। हल्का फुल्का जो है बारिश है हो रहा है, और दोनों साइड है देख सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधे, और हमको इसके बीच में निकालना है बाइक को, थोड़ा सा मुश्किल है। देख भाई, कहीं गिरा गिरा मत देना, ठीक है। एंड उसके बाद चलिए, ठीक है, तो इधर से हमको राइट या लेफ्ट जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, लेफ्ट लेफ्ट। तो हम अभी जंगल के अंदर में घुस रहे हैं भाई, और देख सकते हैं इस तरह का वाह असम दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, और जितना इसका तारीफ करें उतनी कम है। तो यहाँ पर हमको एक झुग्गी झोपड़ी टाइप का दिखा, पता नहीं क्या है, अंदर जाने के बाद हमको पता चलेगा। दूर से झुग्गी झोपड़ी टाइप का दिख रहा था दोस्तों, लेकिन अंदर में आने के बाद हमें पता चला कि ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई पुराना घर, मकान, ऑफिस या फिर स्टे था, होम स्टे, जहाँ पर जो है ऑफिसर वगैरह रुकते थे, खाना वाना बनाते थे, ये सब था निगरानी वगैरानी करने के लिए। लेकिन बट यहाँ पर पूरा उजड़ गया है इस तरह से, मैं तो क्यों तोड़ा गया। और यहाँ पर एक टंकी भी बनाए थे बीच जंगल के अंदर में, देख सकते हो चारों साइड घना है, जंगल है, और जो है जंगली जानवर भी का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में हम लोगों को भी थोड़ा सा केयरफुली जो है ब्लॉग बनाना पड़ रहा था, आप लोग देख सकते हैं, बट इसका यूज ही नहीं हुआ, बस खोदे एंड उसके बाद जो कैशिंग बोलते हैं उसको डाला गया है, एंड उसकी उसके आगे कुछ काम नहीं हुआ है, बस ऐसे ही छोड़ दिए खुला। अभी हम आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी जगह दिखाएंगे इस जंगल के अंदर में है, और जगह है जहाँ पर बोलते हैं जो बोली भाषा में पुटू एंड बोलते हैं उसको क्या, छत्ती, छत्ती बोलते हैं, जो कि मशरूम होता है, ठीक है। तो बड़े ही चाव के साथ मौसमी जो सब्जियाँ हैं मिलती हैं, 700-800 केजी भी मिलते हैं भाई, ठीक है, बहुत रेट रहता है। तो हम उस पुटू निकालने का जो जगह है, उस जगह को हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा अंदर जाना होगा हम लोगों को, तो चलिए थोड़ा सा अंदर से चलते हैं, जहाँ पर मिलता है पुटू पुड़ा, छत्ती और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो चलिए उस जगह को हम लेकर चलते हैं।
अंदर में मुझे एक इंटरेस्टिंग जगह दिखा मुझे, ठीक है, जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा भाई, इसलिए मैंने बाइक को रुकवाने के लिए बोला। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक क्या है भाई, वो जो ऊंचा है लंबा है, इसको क्या बोलते हैं, बीना, यानी कि ये बिल है। बहुत ऊंचा लगा मेरे को और आज तक मैंने कभी देखा नहीं अपने गांव में इस तरह का सीन, तो इसलिए मैं सोचा कि गाड़ी रोक ले, देखने सामने से क्या है मजा। ये है बिल है, इस तरह का जो बिल है जंगल में मनुवम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो दीमक है, दीमक जो मिट्टी है, मिट्टी को ऊपर उठाते 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 इस तरह से उड़ जाता है, उसके ऊपर भी हाइट तक भी चले जाता है, ठीक है, लेकिन जो है ये थोड़ा मीडियम हाइट का है। और जो है मतलब इसमें सांप वाँप रहने का भी ज़्यादा खतरे है, क्योंकि जो बरसात का महीना भी है, इसलिए हम नज़दीकी नहीं जाएंगे, दूर से हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो लाइक ज़रूर से कीजिए यार इसके लिए। आगे ओके, थोड़ा सा हम लोग रुके हैं और पता चला है कि यही वो जगह है, इलाका है जहाँ पर मिलता है पुट्ठू। किधर चाबी अभी रख ले, चल तू आगे मैं पीछे। कौन सा छाती है ये देख सकते हैं आप लोग, ये है वो क्या, इसको छत्ती बोलते हैं ना, मशरूम एक तरह से। तो एक्चुअली बहुत बड़ा मतलब ये जंगल है यार, सही ना, रिक्स है भाई, हम लोग दो लोग हैं यार, थोड़ा सा टेंशन भी लग रहा है मुझे को, और मैंने कभी ऐसा एक्सप्लोर किया नहीं है जंगल में कि दो जने या एक जने, ठीक है, हमारे साइड तो ऐसे जंगल वंगल नहीं होता है। वो क्या है अभी वहाँ पर एक देख सकते हो आप लोग, ओके देखा वो अंदर में है, ठीक है, वो भी है। एंड कहाँ है मिला, छोटा तो मतलब छोटा है कि बड़ा है, क्या है देखते हैं, थोड़ा सा सामने दिखाता हूँ, दिखाओ वो है फुटू ना, नहीं फुटू नहीं छाती है, ठीक है, तो एक ठक हमको मिल गया है वैसे, तो थोड़ा सा हम आगे और चलेंगे, देखते हैं कितना इकट्ठा कर पाते हैं हम लोग। और ये जो पूरा ग्रीनरी देख रहे हो आप लोग, लगता है मतलब ये किसी ने डिजाइन किया है, लेकिन डिजाइन नहीं है, ये नेचुरली है, पूरा ग्रीनरी दिख रहा है। ये बिल है भाई, ठीक है, जो बिल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, वो बिल है सांप वाला, सांप मतलब कुछ भी हो सकता है यार, तो लेकिन क्या है इसके नीचे ही मिलता है वो फुटू, तो उसी की खोज भी हम लोग आए हैं। एंड ये देख सकते हो बड़ा वाला बिल है दोस्त, तो वो उधर भाग गया है यार कुंजवारी, तो मुझे भी उधर जाना पड़ेगा। मच्छर भी काट रहा है यार बहुत ज़्यादा, क्या पता यार आँख में लग गया था अभी यार वो दोस्त, नीचे झुक के कभी उठ के कभी लेट के, इस तरह से जंगल का सफ़र रहता है, पता नहीं जंगल के लोग कैसे सरवाइव करते हैं जंगल में। एक और मिला है, ये क्या है जी, मौजूद ढूंढा है, मौजूद ढूंढा है इसका नाम, हालांकि मशरूम ही है, ठीक है, खाने में ही यूज करते हैं लोग, लेकिन उसका नाम मौजूद ढूंढा कुछ बता रही है। अब कहाँ जाएंगे इधर इस साइड, ओह यार नीचे 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 झुक झुक के जाना पड़ रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे ज़मीन गीला हो चुका है और पत्ता जो है पूरा सड़ चुका है पेड़ों लोग का, आप लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा सा टेंशन भी है यार, क्या बताऊँ। थोड़ा सा यहाँ पे साफ पाया, सूर्य प्रकाश अंधेरा छा गया था, जंगल के अंदर में तो अंधेरा ही होता है वैसे, 50% जो रोशनी है कम हो जाती है दिन के टाइम, तो अभी ना हम लोग जंगल के अंदर में ही हैं और वो कुंजवारी आगे जा रहा है, मैं छाता ले रखा हूँ, यदि ज़्यादा पानी आ जाएगा तो भीग जाएंगे हम भीग जाएंगे, लेकिन जो कैमरा है उस कैमरा को बचा के रखना है दोस्त, इसीलिए हमने छाता ले रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देखो उजाला मिला है, वाह क्या मस्त सीन है, देख रहे हो जंगल में, सुना है मैंने ऐसे पानी पी के लोग अपना जीवन चलाते हैं, क्योंकि अगर आप जंगल में फंस जाते हो आपको ज़्यादा प्यास लगता है, तो उस स्थिति में लोग इस तरह का पानी से जंगल में जो लोग जाते हैं
वो अपना प्यास बुझाती है, अपने प्राण की रक्षा करती है। और मैंने सुना है और आज देख भी रहा हूँ, और देखते ही मतलब मुझे ना बहुत ही अफसोस होता है कि ये जंगल के लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं। जंगल का जो ज़िंदगी है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है। फिलहाल भाई लोग हमको पगडंडी दिख गया है, देख सकते हैं पगडंडी है, तो पगडंडी के सहारे हमको आगे चलना है, आगे बढ़ना है। उधर हमने अपना जो बाइक है, बाइक को पार्क कर दी है और वहीं से चलेंगे और वापस घर जाएंगे। तो चलिए भाई, जो बाइक का है, बाइक को भी धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हमको इतना जंगल के अंदर में लेके आया है भाई, ठीक है, इसके लिए तो धन्यवाद इसको भी देना पड़ेगा। एंड और भाई लोग, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और आज के वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया जंगल के लोग किस तरह से जंगल के अंदर सर्वाइव करते हैं। हमने कुछ मशरूम भी उठाए, सारी चीज़ एक्सप्लोर की और आप लोगों को लाइव सब कुछ करके दिखाए। तो उम्मीद करते हैं जो आज का वीडियो है हम लोगों का कि जंगल सर्वाइव कैसे होती है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा देना। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए हमें।